दिन के जिंदगी करूँ, शेर के जिंदगी जिए के प्रयास करूँ। और दूसर के बात की लग रहा है, यही बात आइयो भी जे यहाँ के राजनेता सब है, वो नेता सब यहाँ के विभिन्न सेमिनार में, विभिन्न सभा सम्मेलन और गोष्ठी में की भाषण दे रहा है कि दलित के जो अभी मौजूदा जो समस्या है, दलित के ऊपर जो हत्या हिंसा और बलात्कार हो रहा है और जो अधिकार विहीन बनाया गया है, एक अधिकार संपन्न बनाबे के लागी और एक ऊपर का न्याय हत्या हिंसा के बंद करे के लागी दलित के आंदोलन करे के चाहिए। लेकिन हम पूछे चाहे थी वही राजनेता सबसे, अब हम सब कते के आंदोलन करूं, आंदोलन के इतिहास देख भाई कहा के 2046 साल के आंदोलन में दलित के योगदान कम न रहे, 2062-63 के आंदोलन में दलित समुदाय के आंदोलन में कोनो कम योगदान न रहे, यहाँ के मधेस आंदोलन जो 2063-64 साल में भेलै वही में कहा के समानुपातिक तरीका से दूसरा जात से ज्यादा यहाँ के शहादत प्राप्त करके दलित समुदाय 10 वर्ष जो जन युद्ध भेलै ओकर सबसे पहल का शहीद बनल यहाँ के दिल बहादुर रमकेल जैसा दलित के बेटा रहे। अब कहूँ हम सब कौन आंदोलन करूँ, हरेक आंदोलन में दलित समुदाय के शहादत है, दलित समुदाय के अद्वितीय योगदान है, फिर भी कहीं हम आंदोलन करूँ आंदोलन करूँ। यही बात से हम एक चीज बुझलिए नेता सबके बात से, वो की है कि कल तक जे 2046 साल में आंदोलन कैली, 62-63 में आंदोलन कैली, 64 में आंदोलन कैली, ये आंदोलन दलित के आंदोलन न रहे और दलित मुक्ति के आंदोलन न रहे, से बात है हम सब अब बुझ रहा थी, वही नेता सबके बात से बुझ रहा थी। यही के लागी जे दूसरा के सत्तारोहण करे के लागी हम सब तो देख ली आगे राणा के विरोध में आंदोलन कैली, पंचायत में फिर उगा के बैठ गए, पंचायत के विरोध में आंदोलन कैली, हमारे ऊपर ज्यादती करे वाला लोग सब फिर पंचायती व्यवस्था में हुक्मरान बन गए, ओने करी करी ए मधेस आंदोलन में भी हम सब शरीक भेली, मधेस आंदोलन में यहाँ के योगदान देली, शहादत प्राप्त कैली। लेकिन आई उहे लोग सब दलित के न्याय मिले से एक शब्द बोले के लगी तैयार न है, ऐसे ही बुझल जा रहा है कि दलित के अब अपना मुक्ति के आंदोलन, अपना ऊपर हो रहा जाति के विरोध के आंदोलन स्वयं अपने आप करे के पड़ते, तब मात्र हम यहाँ यही बात मुक्त हो सके, अधिकार संपन्न हो सके छी। और हमारा यहाँ समुदाय के ऊपर जो हत्या हिंसा और बलात्कार के घटना हो रहा है वही से हम सब उन मुक्ति पा सके छी। इसके लागी अब के समय है हमारा यहाँ के अपना समुदाय के लागी आंदोलन करे के, और जब तक हम यहाँ आंदोलन न कर भी अपना लागी हमारा यहाँ के मुक्ति दूसरा के भर पर न होते, दोसर के मुख तक्कु बनला से पछलगु बनला से दलित मुक्ति संभव न है। यहाँ के ये दू नंबर प्रदेश में 18% जनसंख्या दलित समुदाय के है, लेकिन सबसे ज्यादा दलित के ऊपर ज्यादती दुख के बात है, आई दू नंबर प्रदेश में सबसे ज्यादा हत्या हिंसा और बलात्कार के घटना दलित के ऊपर भे रहा है। यही के लागी खाली जनसंख्या काउंट करेला से न होते, वो जनसंख्या एकता ताकतवर जनसंख्या बने के पड़ते, एक बलशाली जनशक्ति बने के पड़ते, तब मात्र हमारा यहाँ के मूल्यांकन देते, तब मात्र हमारा यहाँ के दुश्मन हमारा यहाँ से गिरते। और दूसर का समस्या की दलित के हम यहाँ दुश्मन और मित्र के पहचान न कर सकी थी, वही के लागी हमार दुश्मन के है और हमार मित्र के है ये पहचान जब तक न करम तो हमारा यहाँ के ऊपर से दुर्दशा है, ये दुर्दशा से मुक्ति कोनो न दिला सके, वही के लागी मित्र और दुश्मन के पहचान करे के प्रयास करूँ हम यहाँ, अब मात्र हम यहाँ के अधिकार मिल सके, हम यहाँ के न्याय भेट सके। और अंत में बहुत दूर दूर से साथी सब आये छी, अपने सब एक कोरोना के महामारी के भी परवाह न के जे में उपस्थित भेल छी, सहभागी भेल छी, अपने सब के धन्यवाद दै छी। और विदा होय से पहले हम एकटा की बात कहे चाह रहल छी कि आय के जे विरोध प्रदर्शन रहले निरंजन राम के न्याय दिलाबे के संदर्भ में यहाँ के एकटा हम ओबा कहलिए कि एकटा कास्टिंग मात्र है, जे फिल्म शुरू होय से पहले जे कास्टिंग देखै छियै ओ कास्टिंग मात्र ही है, अगर निरंजन राम के न्याय न मिलते और जे हत्यारा है जे सच नर्सरी के मालिक के ऊपर जे पीड़ित परिवार जे ओकरा आरोपी बना रहल ओकरा पर अहाँ के जाहिरी दर्ता करे रहे ओकरा अविलंब पकड़ के और ओकरा पर अहाँ के कार्रवाई आगे न बढ़ते, और निर्दोष व्यक्ति सब जे है एकटा राम भाई जरा ऊपर अहाँ के निर्घात खुद पीट करके जे ओकरा अहाँ के हॉस्पिटल में भरना भेजते, ओहन ओहन व्यक्ति के ऊपर निर्दोष व्यक्ति के जब तक न्याय न करते और दोषी व्यक्ति के जब तक विजय राम के ऊपर एकरा पकड़ के जब तक कार्रवाई आगे न बढ़ते तो अहाँ के नेपाल के इतिहास में
जे दलित के आंदोलन के कल्पना परिकल्पना ए बार के शोषक और सामंत की ए सरकार ए बार के प्रशासन जे न होती कहले कल्पना ओहन किस्म के आंदोलन के शुरुआत हम सब दू नंबर प्रदेश में करबे और एक जिला जिला में करबे और यही बात आधार में लाखों के संख्या में जन जन लाखों के संख्या में दलित समुदाय के एक गौरव में उतार के एक इतिहास कायम करे के काम हम सब करबे जे वही के लगी आई से यही मन से ही जे प्रहरी प्रशासन जे डीएसपी है ओकरा सचेत होके और जे निरंजन राम के हत्या में जे उतेला पेचा कर रहा है जे ऊ अपने भी मक्खन खा रहा है अपने भी मलाई खा रहा है और यही बात के सी डी और एस पी के भी मलाई खियाबे के जे प्रयास कर रहा है और मलाई में आई है के सी डी और एस पी भी मलाई मार रहा है यही से सावधान हो जाओ न तो ओकरा निलंबन मात्र न ओकरा की दशा होते उ तो भविष्य बतते आवे वाला कल बतते लेकिन यही के लगी ओकरा में से आगाज करबी छी और अपने सबके एक निर्भक के साथ एक चरणबद्ध आंदोलन में अपने सब साथ देवे से हम आशा विश्वास करे और सरलाही जिला ये दो नंबर प्रदेश के जिला प्रदेश के दलित सब यही गौरवासी के साथ है और निरंजन राम के न्याय दिलावे के लगी कोनो भी कसर दो नंबर प्रदेश के दलित न छोड़ते से अपने सबके आशा और विश्वास दिलाब हम यही में अपने सबके कान में कान मिला के चलब से प्रतिबद्धता जाहिर करी अपने सबसे विदा हो जाए हस्त जय अम्बेडकर जय सलेश।